नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। सिर्फ शरीर ही नहीं, मन और दिमाग का स्वस्थ होना भी बेहद जरूरी है, लेकिन अगर इनके तालमेल बिगड़ जाए तो सेहत भी बिगड़ सकती है। आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें शरीर के किस इम्बैलेंस को आयुर्वेदिक तरीके से बैलेंस करने का जीवा मंत्र बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। बिगड़ी हुई है लाइफस्टाइल तो बिगड़ जाएगा पित्त और बढ़ जाएगी परेशानी। पित्त दोष और त्वचा रोगों का क्या है कनेक्शन, जानिए मुझसे सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आज हमने टॉपिक लिया है पित्त दोष जी, और इससे जुड़ी है स्किन डिजीजेस। तो मैं जानना चाहूंगी ये पित्त दोष होता क्या है और कैसे ये त्वचा के रोगों के लिए एक बड़ा कारण बनता है। देखिए, बहुत अच्छा विषय है, और जैसा कि हम अपने शो में बार बार आपको कहते हैं कि पित्त दोष क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए। जो तीन दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसको हम त्रिदोष बोलते हैं, त्रिदोष कौन कौन से हैं, वात, पित्त और कफ। ये जो तीनों दोष हैं, इनमें से एक दोष को हम कहते हैं पित्त दोष। और अगर इसको थोड़ा सा और हम गंभीरता से समझने की कोशिश करें तो दोष का मतलब क्या होता है कि जो विकृत होने पर शरीर को दूषित करते हैं और अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं, उनको हम दोष कहते हैं। तो इनमें से पित्त दोष जो है वो दोष है जो हमारे शरीर में पाचन का काम करता है। हमारे शरीर में जो भी हम भोजन खाते हैं उसको जो है पचाने का काम, उसका मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और ये इसके अलावा जब टिश्यू लेवल पर, धातु लेवल पर आपकी मसल्स, आपकी हड्डियाँ, आपके जो नर्व्स, इनका निर्माण कार्य जो है ये सब पित्त से संचालित होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में जितनी भी होती हैं उनको पित्त नियमित करता है। और आम तौर पर इसको समझने की कोशिश करें तो पित्त क्या है, अग्नि बाहुल्य है, यानी कि इसमें फायर का जो एलिमेंट है वो काफ़ी होता है। हमारे शरीर में जो टेम्परेचर होता है, जिसको हम ऊष्मा कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, उसको मेंटेन करने में भी पित्त का ही रोल है। और जब भी पित्त हमारे शरीर में एक लिमिटेड मात्रा से अधिक होगा, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में पित्त का प्रकोप, तो ये जो पित्त का प्रकोप जब होगा तो शरीर में गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी। तो आपको मालूम है कि अधिकतर जो त्वचा के रोग होते हैं उनमें क्या होता है, जलन होती है, खुजली, खारिश होती है, हीट बहुत बढ़ जाती है। ये लक्षण आमतौर पर हमें त्वचा के रोगों से देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि त्वचा के रोगों में पित्त दोष की ही अधिकता मुख्य है। और पित्त के कारण 40 प्रकार के रोग आयुर्वेद में लिखे हैं, उसमें मुख्य रूप से त्वचा के रोग हैं, बालों के रोग हैं, या और कई प्रकार के जो इन्फ्लामेटरी डिजीजेज हमारे शरीर में होती है। कई बार डॉक्टर कहते हैं ना आपको इन्फ्लामेशन हो गया है, या फिर जो पाचन संबंधित रोग हैं, एसिडिटी, जलन, कहीं पर भी आपको बर्निंग अगर हो रही है, जैसे यूरिन में बर्निंग हो रही है या आपके पेट में जलन हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब भी आपको लगे कि आपके शरीर में गर्मी बढ़ रही है, जलन हो रही है कहीं पर भी, तो आपको समझ जाना है कि शरीर में पित्त दोष बढ़ गया है। और उसको क्या करना है, आपको सरलता से जो है गर्म चीज़ें बंद करनी है, कूलिंग चीज़ें आप लेना शुरू करिए, पानी, नारियल पानी, तरबूज वगैरह सेवन करिए, उसी से आपको बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर रोग आपको ऑलरेडी हो गया है, त्वचा में रोग हो गया है या कोई और रोग हो गया है, तो फिर आपको जीवा का, सेहत का नंबर डायल करना पड़ेगा। डॉक्टर चौहान, पित्त दोष की वजह से कौन कौन से त्वचा के रोग हमें हो सकते हैं और इनके लक्षण क्या होंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी समझाया कि गर्मी जब बढ़ेगी तो अनेक प्रकार के आपके त्वचा के रोग हैं। अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो हमारी जो चरक संहिता है जिसमें सारे रोगों का वर्णन है, तो उसमें एक पूरा चैप्टर आपको मिलता है त्वचा के रोगों का, डिस्क्रिप्शन उसमें मिलता है। और वैसे जो टेक्निकल टर्म हमारे यहाँ प्रयोग होता है आयुर्वेद में, उसको कहते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के नाम से इसको बताया गया है, और 18 प्रकार के कुष्ठ रोग उसमें लिखे हैं, जिसमें जो है 7 प्रकार के महाकुष्ठ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा, महा मतलब ग्रेट, बड़ा, और 11 प्रकार के क्षुद्र, यानी कि छोटे, जो छोटी मोटी स्किन डिजीज होती हैं। तो ये हमारे वहाँ पर जो है 18 प्रकार के त्वचा के रोग हम इनको आम भाषा में कह सकते हैं। और ये आवश्यक नहीं है कि पित्त दोष से ही त्वचा के रोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है। हम तो जब कहते हैं कि जब बहुत सारे दोष इकट्ठे हो जाते हैं उनमें भी कई बार रोग हो जाते हैं। तो अधिकतर जो रोग होते हैं, खासतौर से त्वचा के जो क्रॉनिक रोग होंगे, पुराने रोग होंगे, वहाँ अन्य दोष भी आपको मिलेंगे पित्त के साथ, लेकिन प्रधानता जो है वो पित्त की है, यानी कि मुख्य रूप से मेनली पित्त ही प्रकोपित होता है। अब जहाँ तक आपने नामों का जिक्र किया है,
तो नाम तो आयुर्वेद में बड़े संस्कृत के शब्द हैं, जैसे ददरू करके एक नाम आया है, एक चर्म दल रोग है, पामा, स्फोट, पुंडरीक और एक आता है उदुम्बर कुष्ठ, ये नाम हैं। अब इनको हम मॉडर्न जो आजकल की भाषा में अगर उनको कंपेयर करें तो हम कर सकते हैं, कहीं पर उनका जो है रैशेज होगा या कहीं पर जो है उसको हम एक्जिमा कहेंगे, कहीं पर सोराइसिस कहेंगे। और जहाँ तक लक्षणों की बात है तो लक्षण जो है अधिकतर जितने भी त्वचा के रोग होते हैं उनमें कुछ मुख्य लक्षण हैं। वैसे तो लक्षण सब में अलग अलग मिलेंगे आपको, लेकिन जलन सब में होती है आमतौर पर, खुजली खारिश वहाँ पर होती है, कई बारी पस पड़ जाता है, वहाँ पर पस निकलने लगता है, कुछ लिक्विड निकलने लगता है, और गर्मी बहुत अधिक लगती है, ख़ास तौर से त्वचा के रोग जब होते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, प्यास बहुत ज़्यादा तेज़ उनको लगने लगती है, और इसके अलावा कई बारी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है। कुछ लोगों को एसिडिटी अंदर होती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, या लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो त्वचा के जितने भी रोग हैं उनको आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है और बहुत अच्छा उपचार है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्रॉनिक कंडीशन में आते हैं, और जीवा में हमने पूरा एक स्किन का अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, कम से कम भी 15-20 डॉक्टर्स हमारे स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसी काम में लगे रहते हैं, रिसर्च भी होती है उसमें, और स्किन मैनेजमेंट एक प्रोग्राम भी विशेष रूप से हमने आपके लिए लॉन्च किया हुआ है, जिसमें कि आपको किसी भी तरह की स्किन का रोग है उसमें डॉक्टर आपके साथ जुड़ेगा, साथ में हमारे जो है एक हेल्थ कोच, उसके साथ अगर न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है, कई बार माइंड वेलबींग की भी उसमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। तो घबराना नहीं है, किसी भी तरह का आपको त्वचा का रोग है और आप बिल्कुल थक चुके हैं इलाज विलाज करा के, तो आप डेफिनेटली आज ही जीवा में संपर्क कर लीजिए। और मेरा उन सभी से भी निवेदन है कि अगर त्वचा के रोग अभी शुरू हुए हैं तो पहली बार में ही आप आयुर्वेद से जुड़ जाइए, क्योंकि जितना पुराना रोग होगा उतना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उसको ठीक करना, लेकिन फिर भी आयुर्वेद में हम कॉम्प्लिकेटेड और पुराने रोगों का भी इलाज बहुत अच्छी तरह से करते हैं। चलिए इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, विकास हैं दिल्ली से, विकास सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, खाता तो बहुत हूँ सर, लगता नहीं है शरीर में। अच्छा, मतलब वजन नहीं बढ़ता आपका? हाँ जी, वजन नहीं बढ़ता। लेकिन आपका पाचन ठीक है? कोई आपको इनडाइजेशन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज वगैरह कुछ रहती है? जी जी रहती है। हाँ जी। हाँ, तो देखिए, जब आप कुछ खाते हैं तो केवल खाने से आपका शरीर नहीं बनेगा, ये लोग बहुत लोग समझते नहीं हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन भी मिल रही हैं कि आप ये 15 दिन खा लो, इससे आपका वज़न बढ़ जाएगा। आपको पहला जो काम आपने करना है कि जो मशीन है, जो अंदर हमारी पचाने वाली मशीन है, सबसे पहले उसको देखना है, अगर वो दुरुस्त है, ठीक है, तभी तो आप खाना जो खाएंगे वो पचेगा, पचेगा नहीं तो लगेगा नहीं शरीर में। तो इसलिए आपको अपने पाचन को ठीक करना है। अग्नि, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं पाचक अग्नि, जठराग्नि, कई नाम से आपका उसमें हम कई बार उसको बताते हैं। तो एक तो सिंपल तरीका है कि जीवा का एक लवण भास्कर चूर्ण आता है और एक डाइजेस्टॉल चूर्ण भी आता है, डाइजेस्टॉल टैबलेट भी। ये तो सरल, बहुत ही सरल उपाय मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो सब लोगों को अपने घर में रखना चाहिए। अग्नि को भी ठीक करेगा, पचाएगा भी। लेकिन अगर आपका रोग कुछ पुराना हो चुका है तो उसमें फिर आपको थोड़ा उसका उपचार ठीक से करना पड़ेगा। ये मैं और बता दूं आपको, कई लोग जब अपना वज़न बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे टॉनिक्स खाने लगते हैं, आजकल कुछ कई तरह के वो शेक मिलते हैं, कई तरह के पाउडर्स मिलते हैं, कई बार लोग आते भी हैं कि हमने खाया, हमारा शरीर फूल गया, मोटे हो गए, लेकिन फिर बाद में जब उसको छोड़ते हैं तो दोबारा वहीं आ जाता है। तो ऐसे चीज़ों से आपको दूर रहना है, प्रॉपर सही समझ करके अपने रोगों का इलाज आपको करना चाहिए। तो जीवा में संपर्क करिए और अपने इस उपचार को ठीक से, आयुर्वेदिक तरीके से अपने रोग को ठीक करिए। डॉक्टर चौहान, पित्त दोष बढ़ने के आखिर क्या क्या कारण हैं? गलत लाइफस्टाइल या गलत डाइट जी, ये इसका कितना बड़ा कारण बना हुआ है? देखिए, डेफिनेटली कोई भी चीज़ जब हमारे शरीर में बढ़ती है तो कहाँ से जाए, उसका रूट क्या है, तो खाने के माध्यम से जाएगी या लाइफस्टाइल से जाएगी। कोई भी भोजन जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में जो गर्मी बढ़ाएगा, जो हीट पैदा करेगा, या जलन बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, सिंपल सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, या कहीं पर सूजन आ जाएगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब वो पित्त दोष को बढ़ाएगा, हमने शुरू में आपको बताया। तो कौन कौन से भोजन हैं, ज़रा ध्यान से सुनिए इसको। किसी भी तरह की मिर्च, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं खाना है। गरम मसाला जो कि बहुत डालते हैं लोग, ग्रेवी बना लेते हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन सब पका के उसमें बनाते हैं, वो नहीं चाहिए, उससे हीट बढ़ता है। स्पेशली गर्मी का मौसम है तो बिल्कुल नहीं चाहिए,
ठंड में फिर भी आप सेवन कर सकते हैं थोड़ा बहुत, और जितने भी स्पाइसी फूड होते हैं, तीखी चटनी वगैरह है, खट्टे भोजन जो हैं, और इसके अलावा जो है चाय बहुत पीते हैं लोग। मैंने देखा लोग पूरा 12 महीने चाय पीते हैं, गर्मी के मौसम में भी चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, स्मोकिंग यदि आप करते हो, अल्कोहल का सेवन करते हो, या नॉन वेज को आपको मालूम है वो भी गर्मी बढ़ाता है, या डीप फ्राइड जितना भी तला हुआ भोजन है, समोसे हैं, पकौड़े हैं, पराठा है, और इसके अलावा जिस जो भोजन जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स उनके अंदर होते हैं, जंक फूड जिसको हम कहते हैं आजकल, प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, वो भी आपको अवॉइड करना है। साथ में लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो ओवर एक्सरसाइज नहीं करना है। आजकल लोग दो दो घंटे जिम कर रहे हैं, मसल बना रहे हैं, सिक्स पैक्स को क्या बताते हैं उनको, सिक्स पैक्स बनाते हैं, ओवर एक्सरसाइज से हीट बढ़ती है। रनिंग, जॉगिंग, इस तरह का जो स्पोर्ट्स खेलिए लेकिन लिमिटेड, और एक ऋतुचर्या का पालन आपको जरूर करना है, यानी कि सीजन के अनुसार आपको खान पान लाइफस्टाइल अपना बनाना है। गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं खाना और सर्दी में ज़्यादा ठंडा नहीं सेवन करना है। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर प्रताप चौहान, जैसे हम बात कर रहे हैं पित्त दोष और स्किन डिजीजेस, जी जी, यानी अगर पित्त दोष नहीं होगा तो स्किन डिजीजेस नहीं होगी, तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूंगी इसके लिए आप क्या जीवा मंत्र देना चाहेंगे? देखिए, एक तो पित्त दोष उसमें मुख्य है, दूसरे दोषों से भी स्किन डिजीज हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद में जब हम चिकित्सा करते हैं तो ये मैं बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि दोष कौन सा है और दोष कहाँ पर बैठा हुआ है, मतलब दूष्य कहाँ पर उसका जो है लोकेशन है। दूष्य का मतलब जो जहाँ पर वो दूषित करता है जाके, जैसे कि हमारे धातु हैं, टिश्यूज़ हैं, हमारी चैनल्स हैं, अग्नि है, वहाँ जाकर के पित्त बैठ जाता है। आयुर्वेद में त्वचा के रोगों का बहुत सफलता से इलाज किया जाता है, कोई घबराने की बात नहीं है। जीवा में अनेक जितने भी क्रॉनिक डिजीज़ होते हैं स्किन के, बहुत पूरी दुनिया से लोग आते हैं, एक्जिमा, सोरायसिस, एक्ने, पिंपल्स या वो सफ़ेद दाग, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, दाद, खाज, खुजली और जितने भी अलग अलग टाइप के स्किन के रोग हैं, बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुली हम ट्रीट करते हैं। पंचकर्म का बहुत बड़ा रोल है इसमें। पंचकर्म हमारी काफ़ी सारी क्लिनिक्स में अवेलेबल है, जीवा क्लिनिक में जाके आप करा सकते हैं, और जीवाग्राम में तो हम बार बार आपको बताते ही हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आपको मेडिसिंस दी जाती हैं उसको आपको प्रॉपरली सेवन करना है, और स्किन डिजीज़ मैनेजमेंट मैंने प्रोग्राम पहले आपको बताया, शोधन चिकित्सा इसमें की जाती है, उसके अलावा जो है फिर विरेचन एक क्रिया है वो कराई जाती है, शमन चिकित्सा यानी कि इंटरनल मेडिसिंस भी दी जाती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ऐसी चीज़ों का आप परिवर्जन करें, उनको जो है वर्जित करें जो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाती हैं, और साथ में रसायन चिकित्सा हम करते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि आगे आपके स्किन के डिजीज़ वापस ना आए। नहीं तो क्या होता है, आप दवाई करते हैं ठीक हो जाते हैं, 3-4 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं, तो उसका भी हमारे यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि रोग आपका एक बार चला जाए तो वापस लौट करना है। फिर टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 01294040404, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। बार बार मुंह में छाले हो रहे हैं, किसी बड़ी मुसीबत का लक्षण तो नहीं, जानिए सेहत की संजीवनी में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद ही जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ।